उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम पर तुनिसा शर्मा आत्महत्या मामले के बारे में पोस्ट किया, जिसमें उनके पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार किया गया था। पिछले एक हफ्ते से मीडिया में तुनिसा शर्मा की आत्महत्या और शीजान खान की गिरफ्तारी की चर्चा है। पीड़ितों और आरोपी के परिवारों द्वारा अपने बच्चों के बारे में मीडिया को संबोधित करने के बाद कई सह अभिनेताओं ने बात की। उर्फी जावेद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को संबोधित करते हुए एक लंबा बयान पोस्ट किया और महिलाओं से किसी के लिए अपनी जान देने का आग्रह किया। उर्फी जावेद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर तुनिसा की स्थिति के बारे में एक लंबा पत्र साझा किया, जिसमें कहा गया, हाँ, उसने उसके साथ धोखा किया होगा, लेकिन हम उसे उसकी मौत के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। अवांछित मेहमानों को रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई भी आपके जीवन के लायक नहीं है। लड़कियों, ये दुनिया के अंत की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने प्रियजनों पर विचार करें या अपने आप को और अधिक प्यार करने का प्रयास करें। आत्महत्या के बाद भी बचे हुए लोगों को अधिक कष्ट होता है। शर्मा परिवार का आरोप है कि शीजान खान ने तुनिसा शर्मा को धोखा दिया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। अभिनेत्री ने खान अभिनीत अली बाबा दास्तान ए काबुल के सेट पर खुद को फांसी लगा ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने से 15 मिनट पहले अभिनेता ने दिवंगत अभिनेत्री से बात की थी।